सबका स्वागत है। आज जो आप देखने जा रहे हैं उसका बीज हमने कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की कहानी से चुना है। कहानी सुनने सुनाने की आदिम कला है, अगर इसे देखना दिखाना हो तो बहुत सारे ताम धाम करने पड़ते हैं। हाँ गुरुजनों, हमारे इस नाटक की खिड़कियां दरवाजे इतिहास के आंगन में खुलते हैं। हमारा इतिहास राजा और रानियों से भरा हुआ, किस्म के राजा और किस्म की रानी, कोई कमा प्रेमी तो कोई कोई प्रतिपासु तो कोई कोई छोड़िए इस पचड़े से। आप कहेंगे भाई राजा और रानियों के दिन कब के लग गए, इस दौर में भला उनका क्या नाम। सही है, इस दौर में उस इतिहास को चाटने से क्या मिलेगा जिसमें आम आदमी ही ना हो, क्या लाभ। आक्रमण हत्याएं लूट छल प्रपंच से भरे इतिहास में आखिर है क्या कि उसमें उतरे। पर बोले जनो, कवि गुरु ने इतिहास के जिस प्रसंग को चुना है उसमें तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच प्रेम उपजता है। उन्होंने उस प्रेम को खोजा और रचा। जो राजकुमार हिंसा और घृणा के बीच जीवन की रक्षा करते हैं, जय जय कहराए।
कैसी आंसू बहाती रहे। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि तुमने नदी में छलांग क्यों लगा, तुम मरना क्यों चाहती, क्या दुख है तुम्हें जो कूद पड़ी नदी, अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा तुम, ऐसा लग रहा होगा एक संतान को पैदा करने और पालने पोसने में कितना कुछ करना पड़ता है, कितना झेलना पड़ता है, और तुम कूद पड़ी नदी में मरना चली, तुम चुप नहीं रह सकते, जब देखो बोलते ही रहते हो, बकबक करते रहते हो। मैं भला चुप क्यों रहूं, मैं देवर को देखो, इस लड़की ऐसे में चली है मानो राजकुमारी हो गई। हाँ राजकुमारी हूँ मैं, भिखारी नहीं समझना मुझे, दीदी मत पुकारो मुझे दीदी, मुझे अच्छा नहीं लगता ये नाम, नहीं दीदी दीदी तुझे दीदी ही कहूंगा, सब लोग तुझे अब इसी नाम से पुकारेंगे दीदी, समझी, मैं नहीं कहता है किसी को एक खबर लगे तुम दूसरे देश में आए, अगर एक खबर आ जाए तो पहुंच गई तो मैं जाने कौन से किसी को तागने का पा कौन झेले कौन से बता, और मैं तेरे चलते राजा को नहीं दे पा, तुम्हें राजा क्यों मारे बेटा, तुम ये लो और क्या सुनो बाप, मैं तुम्हें नहीं कहूंगा, सब तुझे अब इसी नाम से पुकारेंगे, समझी, मैं तुम्हें नदी से छान कर लाया हूं, मैं नई जिंदगी दी हूं, हाँ समझ रही हूं, मेरा नसीब अब तुम्हारे साथ जुड़ गया, बाबा नहीं पुकार सकते बाबा, क्यों क्यों नहीं पुकार सकते, पर तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, मानूंगा मानूंगा तेरी हर बात, और इस पूरे बाबा
क्या